आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो ग्रैंड विटारा पे बनाने वाले हैं। तो ग्रैंड विटारा आपको दो व्यंजन ऑप्शंस ऑफर करती है, एक स्मार्ट हाइब्रिड, दूसरा इंटेलिजेंस इलेक्ट्रिक हाइब्रिड। तो ये जो वेरिएंट है और ये जो लोगो देख रहे हैं ये है आपका इंटेलिजेंस इलेक्ट्रिक हाइब्रिड का। इसमें आपको कुछ इस तरीके का लोगो आपको देखने को मिलता है। अब मैं आपको स्मार्ट हाइब्रिड का लोगो और बता देता हूँ। ये जो लोगो देख रहे हैं ये है स्मार्ट हाइब्रिड का लोगो। तो ये जो कंपनी इसमें जो माइलेज क्लेम करती है स्मार्ट हाइब्रिड में वो 21.11 का माइलेज क्लेम करती है। और ये है आपका इलेक्ट्रिक स्मार्ट हाइब्रिड, इसमें जो माइलेज क्लेम करती है वो 27.97 का कंपनी माइलेज क्लेम करती है। तो इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है माइलेज का, 21.11 एंड 27.97। ये जो वेरिएंट आता है इलेक्ट्रिक स्मार्ट हाइब्रिड ये आपको ओनली ऑटोमेटिक वेरिएंट में अवेलेबल होता है, और स्मार्ट हाइब्रिड आपको ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों में मिल जाता है। इसमें जो टेक्नोलॉजी आती है वो आपको ECVT टेक्नोलॉजी आती है ऑटोमेटिक में, जो कि काफ़ी स्मूथ होती है। बाकी इलेक्ट्रिक इंटेलिजेंस इलेक्ट्रिक हाइब्रिड में कंपनी जो क्रोम यूज़ करती है वो डार्क क्रोम का इस्तेमाल करती है। वहीं पर आप देखते हैं स्मार्ट हाइब्रिड में तो आपको क्रोम फिनिश मिलती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा इन दोनों गाड़ियों में एक फ़र्क होता है कि जो प्राइस आपका है वो आपका काफ़ी डिफरेंस होता है प्राइस में। बट प्राइस के लिए आप इसके लिए फिर आपको माइलेज यहाँ पे मिल जाता है, दूसरा आपको कंफर्ट भी मिल जाता है आपको इंटेलिजेंस इलेक्ट्रिक हाइब्रिड में, क्योंकि ये फुली ऑटोमेटिक गाड़ी आपको मिल जाती है। बाकी दोनों गाड़ियों को आप परचेस कर सकते हैं। ये दोनों गाड़ियाँ बहुत बेहतरीन गाड़ी हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक कार होने वाली हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो जानकारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।